परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। भारतीय जनता पार्टी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने लगी है और इसी के चलते वो अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा करने लगी है। हर प्रत्याशी को अलग तौर पर वो चुन रही है और उनका चुनाव कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा रहा है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी गणित बैठाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि गोरखपुर में भाजपा ने उपेंद्र दत्त को प्रत्याशी के तौर पर चुना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उपेंद्र दत्त शुक्ला का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी गोरखपुर में ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में भी पार्टी के प्रति विश्वास जागे, इसको लेकर उपेंद्र दत्त शुक्ला को प्रत्याशी के तौर पर चुना गया है। एक ऐसा निर्णय लिया है इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला निर्णय है कि एक बूथ स्तर से ऊपर उठ करके कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, जिसमें पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी आशीर्वाद सम्मिलित है कि पूरे पूर्वांचल में सिर्फ ब्राह्मण को ही सांसद का प्रत्याशी बनाया जाता और सांसद है ही। उदाहरण के तौर पर मैं बस्ती से चलता हूँ, हरीश द्विवेदी जी हैं ब्राह्मण, ठीक है, संत कबीर शरद त्रिपाठी हैं, ठीक है, देवरिया से श्री कैलाज मिश्रा हैं, आपका उधर बिहार के बॉर्डर पर श्री राजेश पांडे जी हैं। आखिर क्या वजह है सिर्फ ब्राह्मण को ही बार बार प्रत्याशी बनाना और अपने लोगों को अपने साथ ही अपने लोगों की एक संगठित टीम से काम करना? क्या और भी जातियाँ के इस धर्म के लोग पूर्वांचल में नहीं रहते हैं? क्या और लोगों को नहीं आप बना सकते थे? कि गोरखपुर का सर्वोच्च विकास पूज्य योगी आदित्यनाथ ने जो विकास की योजनाएं प्रारंभ की है उसकी देखरेख और आगे उनके नेतृत्व में और अधिक से अधिक गोरखपुर का विकास हो, इसके लिए उनके एक शिष्य, उनके एक कार्यकर्ता के नाते मैं प्रयत्नशील हूँ। बहुत उत्साह है, हम लोग सब बेहद उत्साहित हैं कि पार्टी हाईकमान ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, इतनी महत्वपूर्ण लोकसभा की सीट में मुझे लड़ने के लिए उतारा है। और आप देख ही रहे हैं हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश। राहुल जी ने एक महिला का सम्मान किया है, एक ऐसा मैसेज दिया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिससे महिलाओं के उत्थान पे और डॉक्टरों के उतारने से जो है हमारे डॉक्टर बंधु, हमारी एनसेफेलाइटिस की भीषण बीमारी है उसके खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ने के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट उन्होंने दिया है। हम पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जरूर। हाय, दिस इज विद्या बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज इंडिया।